हेलो विरवान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। हम लोग जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट कर लिया था, और उसमें से आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपके पिछले जो भी पीजीटी फिजिक्स या जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ ये रह गया था आपका, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये आपने हाई स्कूल में भी वैसे भी पढ़ा है, बट अब हम लोग थ्योरी पार्ट करें तो एक बार जस्ट उसको भी देख लेते हैं, और आप लोग नोट भी कर लेंगे अपने नोटेड नोट्स में। तो क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द पावर? एक्चुअली किसी बुक में आपको इसमें हीटिंग इफेक्ट आप करंट के नाम से भी मिलेगा, वहाँ भी चीज़ें सेम रहती हैं, बट थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग है। मान लीजिए ये करंट है, अगर आई फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें कुछ हीट लिबरेट होगी, और उसका उसके लिए क्या होगा? एक्चुअली आपको ये चीज़ है कि ये एक्सप्रेशन पता है, वी इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम पोटेंशियल वी अप्लाई किए हुए हैं वर्क डन में, मतलब एनर्जी जो का जो लॉस हो रहा होगा वो डब्ल्यू, वर्क डन आपका पता है कि वर्क डन क्या है, आपका एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये W आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, V इंटू क्यू, और V क्या होता है आपका ओम्स लॉ से पता है, I इंटू आर, और ये Q, ठीक है। तो I R साथ ही साथ Q क्या होता है, IT। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। तो ये आपका W होता है, R इसे हम E भी लिख दें, H भी लिख दें। बुक में आपको जो जिससे भी कंसल्ट कर रहे हो, किसी में H लिखा हुआ है, किसी में एनर्जी के लिए E लिखा हुआ है, और ये आपका किस में आता है, जूल में, अगर आपका एम के सिस्टम में है सब चीज़ें यूनिट तब, ठीक है। और समटाइम्स जब आपका यही मतलब कन्वर्जन दिया रहेगा, मान लीजिए कि हमें कन्वर्ट करना होगा कि जूल्स से अगर कैलोरी में देना होगा, तो उस केस में हम जस्ट ये एक रिलेशन आपको पता है, वन कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 4.18, जिसे कि हम मतलब लिख ले 4.2 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम यही फार्मूला को अगर रीअरेंज कर दें, तो ये आपका हो जाता है आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी में आ जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, जो ये अमाउंट है वो लिबरेट होगा अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है टी टाइम के लिए। तो अब हम पावर की बात करें, तो जो आपका पावर है, तो फिर आपका पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर सिंपल सा क्या होता है, वर्क डन आर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी क्या है आपका, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ से जो आपका आएगा वो आई स्क्वायर आर। ये पावर का एक फार्मूला है, जब आपको आई और आर पता होगा तब। लेकिन मान लीजिए अगर आपको आई नहीं पता है, तो उस केस में आई मतलब करंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तब आपको पता है बीच कस टू आई आर होता है, इट मीन्स आई आपका वी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जो आपको पावर का एक्सप्रेशन आएगा, तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से और ऑलरेडी है, तो वो कैंसिल आउट होकर के मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये आपके पास आ गया पावर का इक्वेशन। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट की। एक्चुअली जो डोमेस्टिक सप्लाईज में जो भी आपका मतलब बिजली का बिल है, या किसी भी फैक्ट्रीज में मान लीजिए कोई मतलब फैन चल रहा है, या जिस पे बेस जब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो उसे हम यूनिट बोलते हैं। तो वो यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 kWh के। 1 unit equals to 1 kWh। एक बार आपका एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था, 1 unit equals to, मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ जूल एम के सिस्टम में, तो आपको जस्ट कन्वर्ट करना था 1 kWh equals to, इसको क्या करना था, जूल में कन्वर्ट करना था। तो उसे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो सिंपल सा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 1 unit equals to कितना होता है, 1 kW आवर। अब हम किलो वाट आवर को अगर हम लिखे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10^3 वाट, और आवर है, आवर को कैसे से लिख सकते हैं, 60×60, ये क्या, सेकेंड, ठीक है। तो ये टू कितना हुआ, 3.6, एक्चुअली वो कितना हो जाएगा, 3.6×20 आएगा, फिर ये हो जाएगा 3, 10^3, और ये ऑलरेडी आपका 10^3 है ये, तो वाट इंटू सेकेंड। अब आपको वाट पता है क्या होता है, वाट क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम का मतलब जूल बाई सेकेंड, और ये सेकेंड से कट जाएगा आपका, तो
तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट था जो कि आपको कर लेना था। तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से 1 kWh को जूल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि आप, हाँ तो हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में उस पर बेस्ड किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसके पहले मैं एक्चुअली जिस टॉपिक से है रिलेटेड मैं उस पर कुछ आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली पहले भी बता रखा है बट न्यूमेरिकल उस पर कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सिंपल सा एक्चुअली रेजिस्टेंस जो आपका रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है वो कितना आता है, रो एल बाई ए। तो ये क्या है, एरिया ऑफ द वायर है। मान लीजिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आपका मान लीजिए एक वायर है जिसका कि लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मान लीजिए ये पहले थोड़ा सा थिक वायर है, मोटा होगा, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में, अगर इसका एरिया है इसलिए इसको हम सर्कुलर मान लीजिए, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर एरिया है तो वो पाई आर स्क्वायर होगा सिलेंड्रिकल अगर वायर है तो। अगर इसका वॉल्यूम की बात कर ले तो आपको जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखे रहेंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल वही चीज़ होती है ना, फिजिक्स आपको तभी आती है जब आप उसको न्यूमेरिकल भी करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो सिंपल सी ये बात है कि ये चीज़ है, हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है इनिशियली स्टेप वन पे, कोई इसकी लेंथ एल है, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है। अगर हम इसे स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेचिंग पे इसका क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जाहिर सी बात है अगर आप किसी मोटे वायर के आपके पास रबर है, रबर का अगर हम जब मोटा है अगर उसे आप स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो तो बढ़ जाएगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो जाएगा। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो क्या, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो मटेरियल की सेम मतलब इंट्रिंसिक ऐसे कह लीजिए कि प्रॉपर्टी है जो कि मतलब आपका चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका वाटर की बात करें, हम वाटर का मान लीजिए डेंसिटी है, तो जो डेंसिटी है चाहे उसे आपके एक ग्लास वाटर हो चाहे वो वन बकेट हो या फिर किसी भी पॉट में अगर आपका वाटर है तो उसकी डेंसिटी तो मतलब वही रहनी है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम सेम रहेगा और क्या कहते हैं कि डेंसिटी, बाकी आपका सब वेरी करेगा, लेंथ वेरी कर सकता है, एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है। तो फिर इस केस में अगर एल डैश अगर इसकी लेंथ हो जानी है, एरिया मान लीजिए डैश हो जाना है, दैट मींस पाई आर डैश स्क्वायर हो जाना है, तो इसका जो आपका आएगा वी आएगा उस केस में, दैट मींस वी डैश अगर हम कह लें वी इक्वल होगा, इट मींस ए पाई आर स्क्वायर डैश एल डैश इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल। ये चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के दौरान, ठीक है। तो बस इसी कुछ चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप सारे ये न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड कर जाएंगे। इसी तरीके से आपका एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका कोई वायर है जिसकी लेंथ अगर हम n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो फिर उसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होता है, तो वो फिर जा करके n स्क्वायर आता है। अगर जिसको अच्छे से मतलब चैप्टर्स क्लियर है, वो फार्मूला याद है, तो वो डायरेक्ट मतलब ऑप्शन देखते ही वो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, मैंने आगे के क्वेश्चन को करने के लिए। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे इस प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम क्या है आपकी, ये 2009 में आई हुई है जो कि उन्होंने इसमें क्या कहा है, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस आर बिकम्स आर बाय टू देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो इनिशियली इनके रेजिस्टेंस जो था, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, इनिशियली रेजिस्टेंस मान लीजिए क्या था, रो इक्वल्स टू आर रो एल बाई ए, ठीक है। और रियल क्या है, अगर हम उसका जो लेंथ है वायर का हम इनिशियली अगर एल अज्यूम कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल पाई आर स्क्वायर, इसी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड देन आफ्टर स्ट्रेचिंग हम ये मान लेते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है आर डैश। एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती, चाहे उसका लेंथ बढ़ जाए चाहे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए तो वो चेंज नहीं होगी। तो मान लीजिए उस केस में हम मान लेते हैं एल डैश हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो जाएगा, तो फिर रो एल डैश ए में क्या चेंजेस होगा, पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। और ये वही चीज़ हमने जो आपको पहले बताई थी अभी, जस्ट कि वॉल्यूम इनका सेम रहेगा, तो वॉल्यूम इनिशियली इस केस में जो वॉल्यूम आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, वी डैश कह ले, एल डैश
पाई आर डैस स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, आर डैस आपका कितना हो जाता है, आर बाई टू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने दे रखी है आपके क्वेश्चन में, ये चीज़, तो आप यहीं पे रख लीजिए। तो इससे हमें क्या मिलने जा रहा है, इस चीज़ से हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इक्वस टू पाई आर डैस स्क्वायर इंटू एल डैस। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखें कि एल डैस बाई एल क्या मिल जाएगा, ये रिवर्स, तो ये आर बाई आर डैस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आर बाई टू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर। आर डैस आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है, एल एल डैस है, एल डैस ये एल नीचे गया, तो ये आर बाई आर डैस आपका दिया हुआ है आर बाई टू, तो ये आर बाई टू दिया जाएगा फोर। इट मीन्स जो आपका एल डैस आया वो कितना आ गया, फोर टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, तो डिवाइडिंग वन एंड बाई टू, तो ये आपका वन है, ये टू है, तो अब जस्ट आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या रिलेशन, आर बाई आर डैस, और रो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल बाई पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, पाई आर डैस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डैस। तो यहाँ से सिंपल सा आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आर डैस बाई आर का होल स्क्वायर, और ये एल बाई एल डैस, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। अब यहाँ पे जस्ट आर डैस बाई आर क्या है, आर डैस बाई आर, आर की वैल्यू क्या है, आर बाई टू है, आर बाई टू इन्होंने दिया हुआ है, तो आर नीचे भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई फोर, और एल बाई एल डैस आपका कितना आ जाएगा, एल बाई एल डैस आ जाएगा वन बाई फोर, तो ये कितना हो गया, वन बाई सिक्सटीन। तो इस तरीके से आपका जो आर आ जाएगा, मीन्स आर बाई आर डैस आ गया, वो वन बाई सिक्सटीन आ गया, ठीक है। आर बाई आपका आर डैस कितना आ गया, वन बाई सिक्सटीन, इट मीन्स जो आपका आर डैस हो जाएगा वो 16 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन ये कर पा रहे हैं। आपका एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस आर बिकम्स आर बाई टू, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ओके। तो ये आपका है क्वेश्चन कब, जब आपका कोई कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर से आर बाई टू कर दी जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने क्या लिखा था, आर इज टू रो एल बाई ए फार्मूला आपका होता है। अब आपका रेडियस क्या होता है, अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मतलब सर्कुलर होगा यूनिट लेंथ के लिए, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ से वॉल्यूम अब इसका कितना है, एल पाई आर स्क्वायर, तो सिंपल सी चीज़ है कि वॉल्यूम इसका तो चेंज होगा नहीं, तो पाई आर स्क्वायर एल इज टू पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश। तो यहाँ से एल डैश बाई एल की वैल्यू निकाले जो कि आर बाई आर डैश आ जाएगा, और ये इस तरीके से आर डैश आपका आर बाई टू दिया हुआ है, तो ये टू का स्क्वायर ये फोर एल आ गया, ये हमें एल बाई एल डैश और एल में रिलेशन मिल गया। और आर डैश लिख लेते हैं, ये तो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद हमने क्या लिखा, फाइनल रेजिस्टेंस। किस तरीके से फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एल डैश और ए डैश। अगर अब फाइनल वायर भी जो है उसका क्या है, मटेरियल सेम है, तो उसका रो चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो चेंज नहीं होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में है। तो अब ये आर डैस है, तो सिंपल सा क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद ये आपका एल बाई पाई आर स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ से एल डैस नीचे रह जाएगा, ए डैस ऊपर आ जाएगा, पाई आर डैस स्क्वायर, सिंपल सा आर डैस बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई एल बाई एल डैस। अब आप यहाँ से एल बाई एल डैस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से एल बाई एल डैस कितना आ जाएगा आपका, वन बाई फोर, ये एल बाई एल डैस वन बाई फोर आ गया है, और आर डैस बाई आर आपका वन बाई फोर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आर बाई आर डैस की वैल्यू आ गई वन बाई सिक्सटीन, आर डैस आपका जो है फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उस तरीके से ये सिक्सटीन आर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सिंपल इस पे बेस प्रॉब्लम कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर में तीन से चार इस तरीके की प्रॉब्लम आई हुई है, हम आपको और क्वेश्चन इसी तरीके से, अच्छा ये दो तो हमने लिखा हुई है, और भी प्रॉब्लम इस पे सॉल्व आउट कराएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो हम इसी तरीके की एक दूसरी प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिए, और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो इसलिए कि उसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है इस फॉर्मूले में। तो
देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में कि इसी तरीके का है क्वेश्चन, बस उसमें उसने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि द मासेस ऑफ थ्री कॉपर वायर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। ओके, कोई कॉपर वायर है जिसका कि मास रेशियो दिया हुआ इतना 1:3:5 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1, देन देयर रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। आपका कोई एक कॉपर वायर को ही, मतलब मान लीजिए तीन उसके पीसेस हैं, थ्री पीसेस है, तो थ्री पीसेस में उनकी जो लेंथ का रेशियो है वो 5:3:1 है, उनको मास का रेशियो है 1:3:5 है, तो उसके हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास क्या रिलेशन आता है रेजिस्टेंस का, ये सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर टू के लिए। तो रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, रो एल बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्चुअली मास दिया हुआ है, तो मास आपका कैसे रिलेट करेगा इस फॉर्मूले में, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपका डेंसिटी होता है वो कैसे डिफाइंड है, डेंसिटी घनत्व तो आपका किस तरीके से डिफाइंड है, डेंसिटी इज टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम सिलेंड्रिकल वायर की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलिंड्रिकल वायर ही है, तो उसके इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अगर हम m कह लें, डेंसिटी एक्चुअली यहाँ पे रो ऑलरेडी है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा है, तो डेंसिटी को हम जनरली रो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप रो डैश नोटेशन के लिए हम लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए। तो ये रो डैश इक्वल्स टू मास का क्या हो गया, कैपिटल m, वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एक्चुअली आपका वायर क्या होता है, सिलिंड्रिकल वायर है ना, तो वायर क्या है, सिलेंडर है, तो उसके एल लेंथ अगर का वायर है तो इसकी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ये जस्ट वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर है, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे एच आपकी हाइट हुआ करती थी, तो एल यहाँ पे लेंथ क्या है आपका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से वॉल्यूम का अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पाई आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू मास अपॉन रो डैश। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो मास के टर्म में दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम बाई रो डैश इंटू एल से। एक्चुअली एल को यहीं रहन देंगे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, क्यों, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो अब एरिया रेडियस के टर्म में कुछ रिलेशन नहीं है, लेंथ और मास के टर्म में रिलेशन है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरीके से मॉडिफाई हो गया, एल बाई पाई आर स्क्वायर की जगह क्या है एम, और रो डैश एल ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये रो डैश एल एल है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जा रहा है, आर इजकस टू रो रो डैश एल स्क्वायर एम। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म है, इसीलिए हमने आपको कहा, एक्चुअली इसीलिए आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो मे बी आपके एग्जाम में अगर कम टाइम है तो माइंड उस पॉइंट पे नहीं जा पाता कि हाँ इस तरीके से हम इसे सोच सकते थे, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ऐसे क्वेश्चन की भी तो आप इजिली कर जाएंगे। तो ये इस तरीके से, अब ये रो रो डैश जो है वो क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, और रो डैश क्या है आपका, डेंसिटी है कॉपर वायर का। अब चूंकि तीनों ही कॉपर वायर हैं तो वहाँ पे रो भी सेम रहेगा, रो डैश भी सेम रहेगा, इट मीन्स हम इसे टोटल एक कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने के लिख दिया, के है एल स्क्वायर बाई एम है, तो अगर हम तीनों वायर की लेंथ एल वन एल टू एल थ्री है तो उसका रेजिस्टेंस, अब ये सिंपल सी चीज़ है, अब आपको रिलेशन मिल ही गया है, अब लिखने में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई इन्होंने क्या दिया हुआ है वो पहले आपके पास लिखा रहना चाहिए, गिवन एल वन इज टू एल टू इज थ्री एल थ्री, हम मान लेते हैं कि उनके जो तीन पीसेस की लेंथ है वो एल वन एल टू एल थ्री है, तो दिया क्या है इन्होंने 5:3:1, तो ये हो गया 5:3:1, और क्या है मास का रेशियो जो दिया हुआ है वो m1:2m2:3, ठीक है, तो वो क्या हो गया 1:3:5, ठीक है, ये आपका 5। अब r को आपको क्या मिल गया है, वी हैव फाउंड r इज रिलेटेड एज k टाइम्स k एल स्क्वायर बाई m, तो ये तो r हो गया। अगर हम r1 कहें तो क्या होगा, r1 आपका आ जाएगा, जस्ट दैट मीन्स r1 आ जाएगा, हम चलिए डायरेक्टली लिख के एक बार लिख देते हैं,
एल वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, तब आपका अगर हम लिखें आर वन इज टू आर टू इज टू अगर आर थ्री लिखें तो यही आपका क्या एक्चुअली के कॉन्स्टेंट है सब में, तो वो बाहर ले लीजिए, तो चाहे आप के को वन भी ले सकते हैं, चूँकि आपका एज आंसर के टर्म में नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंट के टर्म नहीं, तो ये हो जाएगा एल वन स्क्वायर बाई एम वन इज टू एल टू स्क्वायर बाई एम टू इज टू एल थ्री स्क्वायर बाई एम थ्री, ओके। तो ये अब आप वैल्यू रख दीजिए इसकी, एल वन स्क्वायर क्या है, मीन्स एल वन के स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, फाइव का स्क्वायर आ जाएगा आपका ये हो गया एल वन हो गया, तो एल वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फाइव का स्क्वायर मीन्स आपका हो जाएगा ये फाइव है, फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इज टू एम वन कितना है आपका वन, ठीक है। अब एल टू स्क्वायर क्या है, एल टू मीन्स थ्री का स्क्वायर, ये है आपका नाइन, और एम टू क्या है, एम टू क्या है थ्री, ठीक है। और एल थ्री क्या है, एल थ्री क्या है आपका वन, वन का स्क्वायर जो कि वन हुई रहेगा, एम थ्री क्या है आपका फाइव है, तो ये आ गया। अब आपका आंसर जो है इसके टर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके इसका जो एलसीएम होगा थ्री और फाइव का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसका थ्री और फाइव का एलसीएम क्या आना है, या तो एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इज टू थ्री, थ्री इज नाइन, तो आपका थ्री इज टू वन बाई फाइव, ठीक है। अब आपका आंसर चूंकि रेशियो में नहीं है, तो आप इसका जो एलसीएम है अगर हम इसे देखें, तो ये डिनोमिनेटर से वन ले सकते हैं, आप फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव इज टू फिफ्टीन इज टू वन। तो इस तरीके का ऑप्शन जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 125, हाँ यही है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, किस तरीके से ये करेक्ट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे। सिंपल सा एक कॉपर वायर है जिसके की लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ, उनके लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तब उनके उनमें रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आर आपका इस तरीके से रिलेटेड है, वहाँ पे हम ए को रिप्लेस करेंगे बाय द मास रिलेशन, एक्चुअली इसीलिए क्योंकि मास का हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो आपका आर इस तरीके से रिलेट हो जाएगा रो एल बाय एम, रो डैश जहाँ पे उसकी डेंसिटी है, रो क्या है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टिविटी है, तो आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल स्क्वायर बाय एम, के क्या है आपका कॉन्स्टेंट है फॉर पर्टिकुलर गिवन मटेरियल, यहाँ पे आपका कॉपर है, तो एल स्क्वायर बाय एम हो गया। अब ये रिलेशन आपके पास है, उन्होंने दिया हुआ ये चीज़, तो एल स्क्वायर बाई एम लिख लिया, आर वन स्क्वायर इज टू एल वन स्क्वायर बाई एम वन हो जाएगा। इसी तरीके से हमने आपको मतलब आप आर टू क्या हो जाएगा के एल टू स्क्वायर बाई एम टू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आर थ्री क्या हो जाएगा के एल थ्री स्क्वायर बाई एम थ्री हो जाएगा। तो ये इस तरीके का अब रेशियो ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया वन बाई फाइव आएगा। ये चीज़ आप क्या करते हैं कि वहाँ पे भी करेंगे, जब आप मिलर रिसेस निकाल रहे होंगे तब भी यही चीज़ करते हैं आप, डिनोमिनेटर से उससे क्या कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर से क्या देते हैं मल्टीप्लाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसी तरीके में एक आपका न्यूमेरिकल आया था कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे, जो कि आपका पी जी टू 2009 में आया हुआ है, और वो यही क्वेश्चन सेम आपका यू पी पी सी एस के प्री में 1998 में आया हुआ था, और इसमें उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था इस सर्किट में बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और इक्विवेलेंट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के में जो हमने आपको कराते समय वहाँ पे बताया था कि अगर दो सारी रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू आ जाता है इक्विवेलेंट, ये जब पैरेलल में होते हैं तब, अगर सीरीज में होते हैं तो क्या हो जाता है आर इज टू आर वन प्लस आर टू हो जाते हैं, ठीक है। ये सीरीज में होता था, ये आपका पैरेलल में होता था, ये पैरेलल में और ये चीज़ सीरीज में, ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम से आपका ये क्लियर है कि 3 ओम और 6 ओम क्या है आपके पैरेलल में, अगर इसे आप मतलब विजुलाइज करें तो अगर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इनके क्रॉस जो है करंट डिफरेंट हो रही है। एक्चुअली आप ऐसे भी समझना चाहें तो यहाँ से मान लीजिए करंट जब जब करंट का डिफरेंट होगी तब तक वो आपके क्या है रजिस्टर क्या होंगे पैरेलल में होंगे, अगर सेम करंट फ्लो हो रही होगी तो वो सीरीज में होंगे। तो ये आपका यहाँ से करंट फ्लो होगी तो कुछ पार्ट करंट किस में जाएगा कुछ पार्ट इसमें, तो इस तरीके से तो ये करंट यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगी फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी कुछ पार्ट, तो ये आपस में क्या होंगे पैरेलल में होंगे। पैरेलल में होंगे तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अब हम थ्री और सिक्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे तो ये वन बाई सिक्स हो जाएगा, और ये कितना सिक्स, और ये प्लस टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई सिक्स, दैट मीन्स यहाँ से आपका आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा टू ओम,
ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं विद द 2 ओम रजिस्टर। ये आपका 30 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है, ये 2 ओम हो गया और ये क्या है 8 ओम। अब ये जो दो रजिस्टर हैं 2 और 8 ओम, ये आपस में सीरीज में है, तो इसके बीच इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। तो हम इस को देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका ये आ गया 10 ओम और ये आ गया 30 ओम, और ये आपका टर्मिनल ए और बी है। तब इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/10 + 1/30। अभी एलसीएम क्या कितना हुआ आपका 30, और ये कितना हो गया 3 + 1 और आ गया 4/30। इस तरीके से आर जो आपका आ गया वो 30/4, तो 4 7 28, 4 7 28 और वो 2 और वो 5 4 5, 7.5 ओम। इस तरीके का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो रेजिस्टेंस निकालना था बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के, तो अब 3 और 6 ओम जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो उसके मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम, अब ये 8 ओम हो गया। अब 2 और 8 किस में है पैरेलल, सॉरी सीरीज में है, तो उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं विद द 10 ओम ऑफ रजिस्टर। तो अब ये दो आपस में पैरेलल में है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/10 + 1/30, 30/4, इट मीन्स 7.5 ओम। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल आए हुए हैं, और आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग इसी पे चैप्टर पे बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।